यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं। अगर कोई अंकल या आंटी मेरा व्लॉग देख रही हैं या देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाएं और फ्री के झूले। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एरियल से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि छुट्टी वाले दिन लोग उठते हैं लेट, तो मैं भी उठा हूँ आज लेट, इस वजह से भूख लगी हुई है बहुत जोरों से। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, या अल्लाह तेरा लाख करोड़ बड़ी शुक्र है। तो अभी हम जा रहे हैं साकिब के घर, क्योंकि हर दफा हम साकिब को कहीं ना कहीं जाने का बोल के रेडी करवा लेते हैं लेकिन नहीं जाते। तो देखते हैं कि इस दफा साकिब जाने के लिए रेडी होता भी है कि नहीं। A few moments later. तो बड़ी मुश्किल से ही लेकिन साकिब हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो साकिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब हमारा टारगेट है वारिस को फ़ोन करना और वारिस से पूछना कि आज तो उसकी बाइक ख़राब नहीं है। ये ना हो कि आज भी हम अपना प्लान बना लें और उसकी बाइक ख़राब हो। वारिस किधर है? वारिस को जगाओ, बोलो से क्लैन का फोन आया है, उठो उसे जगाओ ना। तो उसे जगाओ, बोलो से क्लैन का फोन आया है। हो चुकी हैं जोहर की नमाज के लिए, तो अभी हम जाते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं जोहर की नमाज, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर काम से ज़रूरी है नमाज। तो पहले हम पढ़ेंगे नमाज, मिलते हैं आपको नमाज पढ़ के। मैं मुसलमान भाइयों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि यार आपको अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे ना, आपको उसी हाल में खुश रहना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये वाह, अभी मुझे कह रहे थे कि मैंने अंडे के साथ नाश्ता किया, अगर चने मिल जाते तो चस्सी आ जाती। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। A few moments later. तो नमाज पढ़ के हम वापस आ चुके हैं और लास्ट टाइम करते हैं फोन वारिस को। वारिस नहीं उठा, अभी तक सोया है। नहीं, कब उठेगा? तो बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। तो इसी के साथ सिटी हाउसिंग जेलम हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ वारिस नहीं जाएगा क्योंकि लगता है कि आज वारिस की नींद ही पूरी नहीं हो रही। तो हमारे साथ जा रहा है आज एक और बंदा, उससे इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद जब वो आ जाएगा। तो तब तक हम अपने कपड़े कर लेते हैं प्रेस और शावर लेके हो जाते हैं रेडी। तो शावर वगैरह लेके हम सिटी हाउसिंग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन पहले हम जा रहे हैं असर की नमाज पढ़ने, क्योंकि असर की नमाज का वक्त हो चुका है। तो नमाज पढ़ के हम वापस आ चुके हैं और अभी हम जाते हैं साकिब को बुलाने। नहीं, साकिब को बुलाने नहीं जाते, अभी हमने शूज़ नहीं पहने हुए, तो हम पहन लेते हैं शूज़। साकिब खुद ही हमें बुलाने के लिए आ जाएगा और जाके काट देते हैं मैसेज उस लड़के को जिसके साथ हमने जाना है टाउन। तो चलते हैं और उससे पहले कर देते हैं मैसेज ताकि वो भी टाइम पे आ जाए, हम वक्त से ही चले जाएं टाउन और अंधेरा होने से पहले ही आ जाएं वापस घर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो टाउन जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगा उन फ्रेंड से जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ सिटी हाउसिंग जेलम। तो सबसे पहले मिलें इनसे जो के हैं मज़े, और इसी के साथ ये हैं हमारे दोस्त इमरान, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जो मैं कहता कहता और इन्हें तो आप जानते हैं। तो मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के।
सिटी हाउसिंग के गेट पर हम पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ टिकट्स की, जो कि मज़र लेने गया हुआ है। इसी के साथ टिकट हमें मिल चुके हैं। वैसे इस गैस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बंदा इधर आके लेट जाए और धूप का फ़ायदा उठाए, लेकिन गर्मियों में यहाँ है मौत। तो मिलते हैं हम आपको आगे जाके। अब हम आपको दिखाते हैं साकिब, वारिस को हम घर नहीं छोड़ के, वारिस इधर क्या कर रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वैसे आपको इसका और वारिस का मुंह एक जैसा नहीं लग रहा? बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। साकिब, आपके कद को देख के लगता है कि आपकी अम्मी ने ना आपके पैदा होने से पहले बहुत ज्यादा शुतुरमुर्ग देख लिए थे, तो अभी आपका कद सबसे बड़ा है। इमरान, इमरान आपका मुंह खुला हुआ है, इमरान आपका मुंह खुला हुआ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इमरान को भूख लगी हुई लगता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ पिक्चर क्लिक्स। तो साकिब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साकिब पहले ही अपने पोज के लिए रेडी है, तो मिलते हैं आप फोटोशूट करने के बाद। तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं, अगर कोई अंकल या आंटी मेरा व्लॉग देख रही हैं या देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाएं और फ्री के झूले। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यहाँ पर इसको देख के मुझे याद आ गई है सैफ की। वैसे भी 2 दिन हो गए सैफ से मिले नहीं, तो सैफ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे यहाँ पर बड़े झूले भी हैं, लेकिन झूलों की कंस्ट्रक्शन की वजह से आगे जाने के लिए रास्ता बंद है। तो ये है हमारा छोटा सा सिटी हाउसिंग झेलम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं झेलम में तो यहाँ विजिट ज़रूर करें। ओके okay. इसी के साथ हमारा आज का टूर कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। अल्लाह सुनने वाले बुजुर्गो।
इसी के साथ हम घर वापस आ चुके हैं और हो गए हैं थोड़ा लेट। हमारा बैडमिंटन खेलने का वक्त हो चुका है, तो आज का व्लॉग कर रहे हैं यहीं पर खत्म। आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और पहले कर ले मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ए डीजे गाना बजा।